हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फातिह एंड आज हम करने वाले हैं बहुत मज़े का क्राफ्ट एंड वो मतलब बहुत क्यूट होगा और मज़े का। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी पॉइंटर, मतलब पॉइंटर्स हों, इंक पेन्स ना हो या ऐसे कोई जेल पेन वगैरह ना हो, तो आपको पॉइंटर्स चाहिए। उनके अंदर जो होता है इंक उनकी, तो आपने उनको निकाल के उनको आपने काटना है। सबसे पहले कट करना है, उसके बाद आपने कट करने के बाद क्या करना है, जल्दी से आपने उनका फ्लफ निकालना है। उनका फ्लफ निकालने के बाद आपके हाथ जो हैं बहुत गंदे हो जाएंगे। मैंने ग्लव्स नहीं पहने, आप ग्लव्स पहन लीजिएगा ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लव्स ज़रूर पहने हैं क्योंकि हाथ मतलब सारी जो इंक है ना हाथ पे लग जाती है एंड बहुत वियर्ड लगता है फिर। एंड फिर आपने ऐसे मतलब पूरे जो है फ्लफ निकाल लेना है। अंदर भी फ्लफ था तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया ताकि अच्छी तरह निकले। तो ये जो है मतलब इसको इसकी शेप आपने मतलब स्नैक की जैसे होती है वैसे आपने इसकी शेप देनी है। एंड उसके बाद हमें जो चाहिए एक वाटर, एक ग्लास, वन ग्लास ऑफ वाटर, एंड उसमें आपने ये डाल देना है। देन यू विल सी द कलर विल चेंज बाय इटसेल्फ। वो उसका जो कलर है वो खुद ब खुद चेंज हो गया एंड वो इज लाइक सो अमेजिंग। आई वाज लाइक शॉक्ड। एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट द ब्लैक वन इंक इन द वाटर। तो मैंने ब्लैक वाली इंक भी अंदर पानी के अंदर डाल दी, मैंने ब्लैक वाली इंक भी काट दी थी। एंड उसके बाद आपने चम्मच से ना स्पून से इसको मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह इसकी जो इंक है पूरी वाटर में चली जाए, ठीक है। आपने अच्छी तरह मिक्स करते रहना है, मतलब इतनी देर तक नहीं, मतलब 10 seconds या 20 seconds या 30 seconds आप लोग कर लें। एंड ये ऐसे उसके बाद वो जो जो फ्लफ था, जो कॉटन था, वो बिल्कुल मतलब वाइट हो गया था एंड जो उसका कलर था वो सारा जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो गया था वाटर के अंदर। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा वाइट हुआ है, लेकिन मैं इसको और अंदर डालूँगी तो ये और अच्छा वाइट हो जाएगा। तो ये देखें ये पूरा वाइट हो गया था। मैंने इसको स्पून से निकाल रही थी लेकिन फिर ये जो है स्पून से निकल नहीं रहा था तो मैंने हाथों से ही निकाल दी। हाथ मेरा ख़राब था तो मैंने कहा चलो ख़राब कर ही लेते हैं आज जब ख़राब है। तो इसके बाद मैंने उसको निकाल लिया एंड मैंने दूसरे को भी अपने हाथ से निकाल लिया एंड उसको आपने सारा पानी जो है ना मतलब आपने बाहर निकाल देना, स्क्वीज़ कर देना। उसके बाद मैंने इसको दोबारा ऑरेंज ट्रे में रखा एंड ये देखें। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो ब्लैक कोला वाला कलर आ गया था इसमें आप कोई सा पेज ले सकते हैं। उसके बाद पेज या डायरी या कुछ भी आप ऐसे ले लें। मैंने अपनी डायरी ली जो कि आपको मैंने पहले भी दिखाई है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये देखिए मैंने BTS लिखा हुआ है और एक और मतलब फिंगर भी बनाई है, एक और फिंगर भी बनाई है। और ये मेरा फातिहा मैंने नाम लिखा हुआ था अपना। और ये मैंने मतलब ये सारे जो पुराने हैं मतलब ये देखें, ये मैंने फिर कुछ नए बनाए थे। ये जैसे ये माउंटेन्स हैं और रिवर जो जा रहे हो, ट्रीज नए बनाए हैं मैंने और ये गर्ल भी नई बनाई है। ये मतलब ये जो टू फिंगर्स वाली हैं वो भी मैंने अभी बनाई है। एंड BTS वाला ये जो जू ये क्या है, हाँ ये भी मैंने खुद ब खुद बनाया है, मतलब सारा कुछ मैंने खुद बनाया है। एंड अब आगे देखें ये BTS वाला जूस मैंने बनाया था एंड आइसक्रीम भी मैंने बनाई थी, बहुत क्यूट थी। अगर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड उसके बाद मैंने अपना पेज निकाल लिया है एंड फिर आपने करना क्या है, पेज ही निकालना है जो कि मैंने निकल नहीं रहा था। एंड फिर आपने क्या करना है, पेज निकालना है। उसके बाद आपने उस पर जो हमारा वाटर था मतलब जो हमारा वाटर था और वो जो हमारे स्पंज थे या टिशू आपने सबसे पहले लेना है। तो टिशू लेने के बाद जो है आपने उसको उस वाटर में डालना है। उस टिशू मतलब ब्लैक सा कलर आ जाएगा। तो हमने ना मतलब टाइप ऑफ पेंटिंग कर रहे हैं, टाइप ऑफ, लेकिन हम पेंटिंग कर नहीं रहे। ऐसे मैंने सारी जगहों पे जो है ना ये इस तरह आपने मतलब उसको पानी के अंदर डालना है, वाटर के अंदर। जो ब्लैक कोला वाला पानी था मतलब बहुत उसका अच्छा कलर था, पर्पलिश था, ब्लैक और था और क्या था, ब्लैक था, ब्लू था, पर्पल था, ऐसे सारे कलर्स के मिक्सचर थे। एंड इस तरह मैंने और भी कर दिए। एंड फिर मैंने जो है ये उसको ही मैंने मतलब वो जो इंक वाला स्ट्रॉ टाइप था उसको ही मैंने मतलब उसमें डाल दिया जो ब्लैक कोला वाला वो था, ब्लैक कलर का और पर्पल और ब्लू कलर का पानी मैंने उसके अंदर डाल दिया और ये सारा कुछ मैंने इससे ही कर लिया। इसका कलर बहुत अमेजिंग आ रहा था, इतने मज़े का लाइक आ रहा था ना, मतलब पर्पल भी था, मतलब BTS वाली थीम आ रही थी, इसकी BTS वाली थीम आ रही थी एंड बहुत मतलब मज़े का
लग रहा था, ठीक है। कलर इसका बहुत मज़े का था, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था इसका, ठीक है। तो आप वो पानी सेव भी कर सकते हैं, मतलब पूरा पानी आप लोग अगर लगा लें तो ठीक है, वरना अगर बच जाए तो आप सेव कर लें उसको, किसी और क्राफ्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे करना है और फिर आपने पूरा मतलब ऐसे पेज को भर जाना है। मैंने पूरी जगह मतलब हर एक जगह मैंने कर दी, एंड उसके बाद जो है मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि पानी गिरना चाहिए, लेकिन फिर ये गिरा नहीं, शुक्र है। और मैंने इस तरह सारे पेज को आप देख सकते हैं मैंने भर दिया था, ये सारे पेज को मैंने भर दिया था। एंड जो है फिर मैंने जो है इस तरह ये देखें, ये सारा मैंने पेज भर दिया। उसके बाद आप मार्कर से कुछ भी अपना कोड खोल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा था यहाँ पे बी लिखा है, बी सिर्फ बी लिखा है, बी ई वाला बी नहीं लिखा। अब मैंने बी ई लिखा है बी। अब आगे देखिए मैं क्या लिखती हूँ, एंड ये देखिए मतलब ये क्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये क्राफ्ट या ड्राइंग या पेंटिंग या जो कुछ भी है, पेंटिंग और ड्राइंग हो सकेगी होगी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए मैंने ये लिख दिया इसके ऊपर, एंड बी योर सेल्फ। एंड मैंने नहीं है ना, मैं मारूंगी, मैं सारा कुछ बंद करके सो जाऊंगी। एक मार्क बना दी है और पेज जो है मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेशंस कर दी पेज पे ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और ये इस तरह मैंने कर दिया है, एंड मैंने इस तरह कुछ मतलब कॉन्फेटीज टाइप जो नहीं होते वही मैंने लगा दिए थे, एंड फिर उससे पेज और मज़े का लग रहा था, पिंक पर्पल और ब्लू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब एंड